नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं आज की खास खबर। नताशा स्टैनकोविच और हार्दिक पांड्या ने 1 जनवरी को सगाई की खबर से सबको चौंका दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक नताशा हार्दिक से मिलने से पहले वे अली गोनी को डेट कर रही थी। वे दोनों नच बलिए नौ रियलिटी शो में बतौर कपल भी हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में वे दोनों अलग हो गए। हाल ही में जब अली से नताशा और हार्दिक की सगाई के बारे में कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वे नताशा और हार्दिक के रिश्ते के बारे में जानते थे। अली ने कहा, कुछ समय पहले नताशा ने हार्दिक के बारे में मुझे बताया था। वे दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे याद है नच बलिए के दौरान वो हमेशा उसे कॉल करके हालचाल पूछा करता था। वे दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और मैं नताशा के लिए बहुत खुश हूँ। वे दोनों की जोड़ी सबसे अच्छी है। नताशा बहुत ही अच्छी लड़की है और उसका बहुत ख्याल भी रखेगी। सगाई की बात से नताशा खुद अनजान थी। अगर उसे पता होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। मैंने जब उसे मैसेज किया तब उसने कहा कि मुझे अब भी वह सब महसूस हो रहा है। टीवी एक्टर कुशल पंजाबी की मौत के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी ऑंड्रे डॉलन ने अपने बिगड़ते हुए रिश्ते पर खुलकर बात की। उन्होंने पति कुशल संग अपने रिलेशनशिप की चर्चा करते हुए कई सारी बातों का खुलासा किया है। ऑंड्रे के मुताबिक कुशल अपने रिलेशन को लेकर कभी गंभीर नहीं हुए। पीपिंग मून से बातचीत में ऑंड्रे ने अपने और कुशल पंजाबी के रिश्ते का कड़वा सच बताया। वे कुशल के साथ खुश नहीं थी। वे अपने बेटे कियान के लिए भी कुशल को सही नहीं मानती थी। इंटरव्यू में ऑंड्रे ने कहा, वे एक लापरवाह पिता थे और हमारे रिलेशनशिप को फेल करने में उन्होंने अच्छा रोल निभाया है। हमारी शादी में दिक्कतें थीं, लेकिन शादी फेल नहीं हुई थी। मैंने कभी कियान को उसके पिता से बात करने से नहीं रोका। वे कुशल थे जो अपनी फैमिली के लिए सीरियस नहीं थे। ऑंड्रे ने कहा, मैंने कुशल को संघाई में सेटल होने के लिए भी बुलाया था, पर उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो मैं ही थी जो उसके खर्च उठाती थी। बेटे को लेकर गंभीर नहीं होने के कारण कियान का इंटरेस्ट भी अपने पिता से धीरे धीरे कम होने लगा था। मैंने कुशल के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी के सबसे लंबे चलने वाले शोज में से एक है। इस शो में ज्यादातर सोसाइटी की दिक्कतों को कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है। हम सभी ने सालों से गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों को मिलजुल कर साथ रहते देखा है, लेकिन ऐसा सिर्फ सीरियल के अंदर ही नहीं बल्कि इस शो में काम करने वाले एक्टर्स भी मिलजुल कर रहते हैं। हाल ही में एक्टर मंदार चांदवड़कर और भिड़े ने शो के डायरेक्टर मालव राजराज संग मिलकर शो के सेट पर सभी के लिए मसाला खिचड़ी बनाई। इससे जुड़ी फोटोज भी मंदार ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। फोटो शेयर करते हुए मंदार चांदवड़कर ने लिखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर हमने मसाला खिचड़ी बनाई। 26 दिसंबर को टीवी एक्टर कुशल पंजाबी के सुसाइड की खबर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को स्तब्ध कर दिया। नाकाम शादी और डिप्रेशन से परेशान होकर कुशल पंजाबी ने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने का खौफनाक फैसला लिया। अपने करीबी दोस्त कुशल पंजाबी के निधन पर छपाक एक्टर विक्रांत मैसी का रिएक्शन आया है। एक इंटरव्यू में विक्रांत ने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठाने से बचने का तरीका बताते हुए कहा, बातचीत करना ऐसे स्ट्रांग इमोशन से डील करने का कारगर उपाय है। मुझे अनुभव बताता है कि हमारे समाज में ऐसे विषयों के बारे में बात करना अभी भी टैबू है, आपको कमजोर समझा जाता है। मैसी ने कहा, मैं नहीं जानता कि ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन बातों को शेयर करने से हल निकल सकता है। आप अजनबी से बात कर सकते हैं। ज्यादातर शानदार बातें अजनबियों के साथ ही होती है। जीवन बेहद कीमती है। मैंने हाल ही में एक दोस्त खो दिया। हम सभी उनके बारे में जानते हैं। रात के बाद हमेशा सूरज उगता है। बिग बॉस 13 के एक्स कंटेस्टेंट के शो के हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपनी नजरें रखे हुए हैं। के घर के मुद्दे पर अपनी राय देने से जरा भी नहीं कतराते हैं। शुरुआत में सिद्धार्थ शुक्ला का सपोर्ट करने वाले के अब उन्हीं के खिलाफ नजर आ रहे हैं। वही शहनाज के सिद्धार्थ को थप्पड़ मारने पर अब के ने खुशी जताई है। एक ट्वीट में के ने लिखा, मैं अब शहनाज गिल को शो के अंत तक सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आज उसने सिद्धार्थ शुक्ला को थप्पड़ मारकर वो दिखाया है जो सलमान खान और बिग बॉस नहीं कर पाए। सिद्धार्थ यही डिजर्व करता है। पब्लिक भी लंबे समय से यही चाहती थी। यदि टीवी जगत की अहम 5 खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए देखते रहें हिंदी रश। हमारे चैनल को लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।